शस्त्रों से तो शरीर घायल होता है, लेकिन शब्दों से आत्मा। इसीलिए अपने शब्दों को बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ही कबीर ने कहा था कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का विन IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। आप सभी को ये मालूम होगा कि हमारी चर्चा यूनिट 10 के विषय पे हो रही थी और हमने काफ़ी सारे बिंदुओं पर अपनी चर्चा कंप्लीट भी कर ली है। आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो हमारे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर साल जब PSC एग्ज़ाम लेता है प्रश्न पूछता ही है। अभी कौन सा टॉपिक है? वो है महत्वपूर्ण जनजाति व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान। अगर मैं बात करूँ कि सिलेबस में किस प्रकार से इसको दिखाया गया है, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। अब ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रश्न पूछता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करते थे या फिर बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत जो नेतृत्व करता थे, उनको लेके समय समय पर क्या किए गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे जो जंगल सत्याग्रह हुए थे, उन पे नेतृत्व किसने किया, कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया गया था, उन सब पे प्रश्न PSC पूछ चुका है। और अब तो और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि इसने सीधे सीधे डिनोट कर दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का योगदान एवं प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। अब देखिए, जब हम इस चीज़ को पढ़ने जाएंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, किस किस को आधार बनाना है, हम उन बातों पर चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। जब हम जनजातियों की व्यक्तित्व की बात करेंगे, जनजाति व्यक्तित्व की बात करेंगे, तो व्यक्तित्व कैसे हो सकते हैं? या तो कोई बहुत महान शासक हो सकता है जो जनजातियों से संबंध रखता है, तो राजनैतिक व्यक्तित्व हो सकता है, राजनैतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तित्व हो सकते हैं, या फिर जो जनजाति विद्रोह हुए हैं उनसे संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, जनजाति विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो जनजातीय कला से संबंधित हो। अब ये कला कैसी हो सकती है? या तो चित्रकला हो सकती है, जैसे आपने नाम सुना होगा इसमें भूरी बाई का नाम सुना होगा, जोधैया बाई का नाम सुना होगा, दुर्गा बाई व्योम का नाम सुना होगा। तो या तो चित्रकला संबंधित हो सकती है, या आपकी मूर्तिकला या शिल्पकला संबंधित हो सकती है, इसको शिल्पकला कर सकते हैं, या तो शिल्प कला से संबंध हो सकती है। जैसे इस बार 2023 में किसको प्रदान किया था, शांति परमार और रमेश परमार, तो उनको क्या प्रदान किया गया था, गुड़िया बनाने के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। तो शिल्पकला संबंधित व्यक्तित्व हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जो नृत्यकला संबंधित हो। जैसे आपने नाम सुना होगा अर्जुन सिंह धुर्वे का नाम, इसी प्रकार राम सहाय पांडे का नाम, ऐसे कई सारे व्यक्तित्व हैं जो किससे संबंध रखते हैं, नृत्यकला संबंध रखते हैं। जनजाति विद्रोह में कई सारे व्यक्तित्व का आपने नाम सुना होगा, जैसे ख्वाजा नायक, टांटिया भील, भीमा नायक, गंधु गोंड, बिरसा गोंड, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जनजाति विद्रोह में नेतृत्व किया है। राजनैतिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो अभी हाल ही के हो सकते हैं या फिर प्राचीन काल के हो सकते हैं, तो किसी राजवंश से हो सकता है व्यक्तित्व, या फिर आपके हाल ही के राजनैतिक व्यक्तित्व तो हो सकते हैं। जैसे दिलीप सिंह भूरिया का नाम आ जाए, जमुना देवी का नाम आ जाए, या कांतिलाल भूरिया, ऐसे कई सारे नाम आपको सुनने में मिलेंगे जो जनजाति व्यक्तित्व संबंध रखते हैं। फिर अगर राजवंश की बात करें तो आपने संग्राम शाह का नाम सुना होगा, संग्राम शाह, हृदय शाह, राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, राजा परीक्षित। तो ऐसे कई सारे व्यक्तित्व किससे संबंध रखते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व
हो सकते हैं। तो इन्हीं आधारों पे प्रश्न भी पूछा जा सकता है, किसी या तो किसी की कला को लेके पूछा जा सकता है, या तो किसी का जनजाति जो स्वतंत्र आंदोलन हुए, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन हुए, चाहे वो किसी क्षेत्रीय स्तर का हो या फिर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन रहा हो, उन पे उनका क्या योगदान रहा था, उन्होंने कौन कौन सी गतिविधियों को अपनाया, वैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पीएससी का ये फेवरेट टॉपिक होता है। चलिए इसी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कूट सत्य हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन एक 1818 में हुए भील विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। ऑप्शन दो 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित थे, या 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गज्जन सिंह कोरकू थे। अब आपको बताना है इसमें कौन से कथन सत्य हैं। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल दो और तीन, या डी सभी कथन सही है। तो आपको मैं बता दूं कि 1818 में भील विद्रोह हुआ था। मुख्य रूप से ये विद्रोह कहां पर देखने को मिला था? तो जो आपका दक्कन का पठार है, नागपुर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर ये विद्रोह शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, कोई बता सकता है कमेंट में बताए? किया था सेवाराम भील ने 1818 में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है गोमधर भील ने, और गोमधर भील ने तो 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, कहाँ से? निमाड़ से। तो ये पहला जो कथन होता है वो गलत हो जाता है। दूसरे की अगर बात करें, 1842 में बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित थे, तो बात तो सही है, क्योंकि राजा परीक्षित ने ही, ये जैतपुर रियासत के राजा थे जैतपुर, और उन्होंने, इनके ही नेतृत्व में पहले 1837 में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया था, और उन बुढ़वा मंगल के बाद ही ये निर्णय लिया गया था कि हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को बुंदेलखंड क्षेत्र से खदेड़ देंगे। तो इन्होंने प्रमुख नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कि इस विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था, तो नरहट के राजा थे, नरहट के राजा मधुकर शाह, मधुकर शाह ने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। और अगर बात करें कि राजा परीक्षित के ने कौन कौन से इसमें गतिविधियों में शामिल हुए, तो दो युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ, एक था बिलगांव का युद्ध और दूसरा था पनवाड़ी का युद्ध, पनवाड़ी का युद्ध। इन दोनों युद्धों में राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के जो पूरे तहस नहस कर दिया अंग्रेजों को, और इसमें किसकी जीत होती है, राजा परीक्षित की, बिलगांव का युद्ध, पनवाड़ी का युद्ध। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिलगांव का युद्ध और पनवाड़ी का युद्ध संबंधित है, तो राजा परीक्षित से संबंध रखता है। राजा परीक्षित की वाइफ का नाम था रानी रज्जो, और इन्होंने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था। 1930 में हुए घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो बात दूसरी और तीसरी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी केवल दो और तीन। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी। हमारे ऑप्शन है भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू, या ऑप्शन डी बैगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भील। देखिए, कई सारे जनजाति नेताओं के आप नाम 1857 की क्रांति में सुन सकते हैं, जैसे टांट्या मामा भील, इनको तो इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों के नाक में एकदम दम करके रखा था, इसीलिए अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए कई सारा इनाम भी घोषित किया था। फिर आपने नाम सुना होगा ख्वाजा नायक का। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति और हैं, भीमा नायक। तो ऐसे कई सारे व्यक्ति हुए हैं जो किससे संबंध रखते हैं, भील जनजाति से संबंध रखते हैं। तो मुख्य रूप से आगे बढ़ चढ़ के किसने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, भील ने किया था। अगला प्रश्न है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन बंजन सिंह कोरकू, ऑप्शन बी कोमा गोंड, ऑप्शन सी गंजन सिंह कोरकू, या ऑप्शन डी बदन सिंह कोरकू।
जो घोड़ा डोंगरी का क्षेत्र है, अगर मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, तो आज का जो बैतूल वाला रीजन है, जो बैतूल वाला क्षेत्र है, यहां पर पाया जाता है घोड़ा डोंगरी का क्षेत्र, घोड़ा डोंगरी। और यहां पर मुख्य रूप से आपको पता है कि बैतूल में कौन से जनजाति का मूल निवास माना जाता है, कोरकू जनजाति का। वहां पर भवरगढ़ और सावलीगढ़ दो जगह है जहां पर अपना मूल निवास कौन मानती हैं, कोरकू जनजाति। वहीं पर एक जगह है घोड़ा डोंगरी, और यहीं से नेतृत्व किया था जंगल सत्याग्रह का गंजन सिंह कोरकू ने, और इनकी मदद की थी आपकी बंजन सिंह कोरकू ने। गंजन सिंह कोरकू को आगे पकड़ लिया जाता है, अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बंजन सिंह कोरकू गोलीबारी में, अंग्रेजों की गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर पूछा है कि किसने नेतृत्व किया था, तो नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने, और उनका सहयोग दिया था किसने, बंजन सिंह कोरकू ने। तो 1930 के टाइम पे जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो दो स्थितियाँ बनी थी। एक तो जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ा गया, नमक कानून तोड़ा गया। और मान लीजिए कि समुद्र किनारे वाले क्षेत्रों में तो नमक बनाया जा सकता है, राजस्थान वाले क्षेत्रों में भी नमक बनाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कहां से नमक बनाए। तो ऐसा किया गया कि मार्च 1930 में किसकी बैठक होती है, कांग्रेस की एक बैठक होती है मुंबई में, और यह निर्धारित किया जाता है कि हम दो काम करेंगे, एक नमक कानून तोड़ेंगे और दूसरा जंगल सत्याग्रह चलाएंगे। इसलिए कई सारे क्षेत्रों में जंगल सत्याग्रह को चलाया गया। उसी तर्ज पे घोड़ा डोंगरी क्षेत्र पे कौन चलाया, गंजन सिंह कोरकू ने। इन्होंने जंगल की घास काटकर, अब इनका इनकी कार्यप्रणाली क्या थी कि जंगल की घास काटी, जंगल की घास काटकर विद्रोह किया। अगले प्रश्न पे आते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सरकार ने किस जनजाति नायक के पर 1000 का इनाम घोषित किया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ख्वाजा नायक, ऑप्शन बी टंट्या भील, ऑप्शन सी भीमा नायक, ऑप्शन टी, ऑप्शन डी गंजन सिंह कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ख्वाजा नायक। ये ख्वाजा नायक की अगर बात करें तो ख्वाजा नायक आपकी अंग्रेज सेना में शामिल होने वाले एक सैनिक थे। इनके पिताजी पहले अंग्रेजी सेना में काम करते थे, फिर आगे चल के इन्होंने भी अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए, और जो उनकी भील सेना थी, भील टुकड़ी, उनका ये नेतृत्व प्राप्त करते। और ये भील टुकड़ी लगभग 24 मील के क्षेत्र पर इनका आधिकारिकता होती है। ये कहाँ से होती है, तो सिंधवा से लेकर के सिरपुर तक का जो क्षेत्र होता है उनके बीच 24 मील लगभग दूरी होती है, और पूरा जो जागीरदारी किसको प्राप्त होती है, मतलब नेतृत्व किसको प्राप्त होता है, ख्वाजा नायक को। और ख्वाजा नायक इन्हीं सेना, इनकी जो सेना होती है पूरी भीली टुकड़ी, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, और अंग्रेजों का विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। इसी के लिए फिर आगे चल के क्या किया जाता है, इन पर 1000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आगे अंबा पानी का युद्ध होता है जिसमें ये पकड़े जाते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी और इनके पुत्र की, दोनों की हत्या कर दी जाती है। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान जनजातियों ने डिंडोरी में किस प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया। हमारे ऑप्शन है पशु बेचकर, ऑप्शन बी मालगुजारी बेचकर, ऑप्शन सी सोना बेचकर, या ऑप्शन डी घर बेचकर। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1920 में। डेट की अगर बात करें तो अगस्त 1920 में, और इसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये उद्देश्य का लगाया था गांधी जी के द्वारा कि एक साल के अंदर, एक साल में अंग्रेजों को भारत से निकाल देना है। और असहयोग का अर्थ क्या होता है, कोई सहयोग नहीं देंगे। अब सहयोग कैसे, जो सरकारी कर्मचारी हैं
वो काम पे नहीं जाएंगे, जो सैनिक है वो सैन्य सेवाएं नहीं प्रदान करेंगे, सरकारी सेवा में नहीं करेंगे, जो सरकारी स्कूल कॉलेज हैं उन पे पढ़ने नहीं जाएंगे, और जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो अपनी शिक्षा को वहीं पर छोड़ देगा, और जो हमारी स्वदेशी चीज़ें हैं जैसे विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार कर देंगे, उनकी होलियाँ जलाएंगे। तो ये सब कार्य किए गए किसके तहत? असहयोग आंदोलन के तहत। लेकिन गांधी जी की जो शांति, सत्य और अहिंसा की नीति थी उसको आधार बना के ये प्रारंभ किया गया। लेकिन आगे चल के आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाती है? चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना। उसी के उपरांत 11 फरवरी को गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अब स्थगित करने के बाद कई सारे नेता इनसे नाखुश होते हैं, लेकिन इनका मानना था, जो गांधी जी का मानना था, उनका ये उद्देश्य था कि कोई भी क्रांति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और कई सारे स्थानों पर कई सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था, चूँकि ये जो आंदोलन था वो आगे हिंसा का रूप धारण कर रहा था। इसलिए गांधी जी ने संघर्ष विराम, संघर्ष की राजनीति को पालन करने के लिए क्या कर दिया? आंदोलन को स्थगित कर दिया। 11 फरवरी 1922 को क्या कर देते हैं? असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में डिंडोरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर किसने कैसे नेतृत्व किया गया? तो जो जमींदार होते थे, मुख्य रूप से उन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो एक व्यक्ति थे गंधु सिंह गोंड, डिंडोरी के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी मालगुजारी बेच करके असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजातियों ने जंगल सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931 या ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1930। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, उसी टाइम पे ये भी प्रारंभ करते हैं। हालांकि 1942 में भी आपको जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से बैतूल घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र में होता है। अब अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्र में ये देखने को मिला था, तो मुख्य रूप से 4 स्थल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है घोड़ा डोंगरी, फिर एक सिवनी में जगह है टुरिया, इसका नेतृत्व किया था दुर्गा शंकर मेहता ने, टुरिया। फिर उमरिया से नेतृत्व किया था शंभुनाथ शुक्ल ने, और ओरछा से नेतृत्व किया था लाला राम वाजपेयी ने। कहाँ से किया था? ओरछा से। अब इस प्रश्न की अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह, तो पीएससी ने मुख्य परीक्षा ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इस प्रश्न को पूछा था कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह को समझाइए। तो यही चारों चीज़ों को ऐसी मैप बना के बढ़िया से दर्शा के लिख देना था कि कब किया था, किसने नेतृत्व किया था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो मुख्य रूप से जब जंगल सत्याग्रह हुआ था उनमें कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र मिलता है? तो अब देखिए क्या हो सकता है, कौन कौन सी घटनाएँ हो सकती है। जब जंगल कानून बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जंगल की जो संपत्ति है वो व्यक्तिगत यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो जनजातीय व्यक्ति है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर आप लकड़ी काटने चाहते हैं, घास काटना चाहते हैं, पशु चारण करवाना चाहते हैं, तो अंग्रेजों से क्या करनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज जो जनजाति होते थे उनका एक मुखिया होता था, और मुखिया अगर अनुमति दे देता था तो कहीं पर जाके हम जो जनजाति व्यक्ति थे वो घास भी काट सकते थे, अपने पशु को चरा भी सकते थे, और तरह तरह की इमारती लकड़ी और भोज्य पदार्थ भी वहाँ से इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन जंगल के कानून बनाने के कारण, जो अंग्रेजों द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए 1858 के टाइम से, फिर उसके बाद 1864 में बनाए गए, तो समय समय पर कई सारे कानून बनाए गए, उससे हुआ क्या कि जनजातियों कहीं ना कहीं अधिकार का क्या हुआ? हनन हुआ। और इन्हीं के विद्रोह में क्या क्या करके, घास काट के, पशु चारण करवा के,
इमारती लकड़ी काट करके और पांच पांच के ग्रुप में, पांच पांच लोगों के ग्रुप में जाते थे जंगल की ओर और जंगल की लकड़ी काटकर लाते थे शांतिपूर्ण तरीके से। और मुख्य रूप से ये जितने भी विद्रोह हुए ये अहिंसात्मक तरीके के थे, अहिंसात्मक तरीके। लेकिन अंग्रेज थोड़ी ना हिंसा का पालन करते थे, वो लोग इनके ऊपर गोली चला देते थे और कई सारे व्यक्तियों की इसके दौरान मृत्यु भी हुई थी। अगला है, बादल भोई का संबंध किस जिले से है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी साजापुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छिंदवाड़ा। आपने नाम सुना होगा एक बादल भोई संग्रहालय का, बादल भोई संग्रहालय। अब इस संग्रहालय का संबंध किससे माना जाता है? इन्हीं बादल भोई से माना जाता है। छिंदवाड़ा में एक जगह थी डुंडरिया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्रांति के टाइम पे इन्होंने नेतृत्व किया था। अब अगर बादल भोई संग्रहालय की बात करें, देखिए हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रमुख प्रकाशन, तो उसमें एक ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो संग्रहालय था 1954 में इस गठन किया गया था और 1997 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? बादल भोई संग्रहालय। और अगर डीप में इसका अध्ययन देखेंगे तो 1975 में इसको राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया, राज्य संग्रहालय कहा जाने लगा था। तो बादल भोई संग्रहालय अभी इसमें 11 कमरे हैं, 11 कमरे, और 2000 से ज़्यादा इनमें क्या रखी गई हैं, जो कलाकृतियां होती हैं, जो टोटमवाद संबंधी चिन्ह होते हैं, उन सबको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। तो कहाँ संबंध रखते हैं ये? छिंदवाड़ा संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, भज्जू सिंह श्याम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है खेल, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी मूर्तिकार या ऑप्शन डी लेखक। तो भज्जू सिंह श्याम मुख्य रूप से गोंड चित्रकार है, गोंड चित्रकार, और ये जनगढ़ सिंह श्याम के घराने से बिलोंग करते हैं, जनगढ़ सिंह श्याम के घराने से बिलोंग करते हैं और 2018 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया था, पद्मश्री 2018 में प्रदान किया गया था। अगर बात की जाए भज्जू सिंह श्याम की कि और इनकी क्या खासियत थी, तो इन्होंने सबसे पहले कैनवास पे बेहतर रूप से, कैनवास पे इस प्रकार चित्रकारी को उकारा। कैनवास मतलब होता है कि जब चित्र जो बनाए जाते थे, इनमें जो चित्र बनाए जाते थे मुख्य रूप से नोह डौरा और डिगना चित्रकला के ये लोग प्रचारक थे, वही चित्रकारी करते थे, जिसमें जो बड़ा देव थे, बूढ़ा देव थे, उनका चित्र बनाया जाता था, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और टोटम का चित्र बनाया जाता था। तो सबसे पहले ये प्रयास किया था जनगढ़ सिंह श्याम ने। आगे चल के भज्जू सिंह श्याम ने कैनवास में चित्रकारी की और लंदन में इनके चित्रों का पूर्ण रूप से क्या किया गया है? प्रदर्शन किया गया और उनकी जो एक पुस्तक है, कलाकृति की पूरी संग्रह है, उसको बोलते हैं जंगल कलाम ऑफ लंदन, जंगल कलाम, लंदन जंगल कलाम बोला जाता है। वहाँ पर 3000 से ज़्यादा इनकी कलाकृतियों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। तो भज्जू सिंह श्याम किससे संबंधित है? गोंड चित्रकार हैं। कहाँ संबंधित है? तो डिंडोरी से संबंध रखते हैं, डिंडोरी। और डिंडोरी में एक स्थान है, कौन सा? पाटन गांव, जो चित्रकारों का गांव कहलाता है। 2018 में इनको पद्मश्री प्रदान किया गया और लंदन में इनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रानी कमलापति, ऑप्शन बी रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी रानी अवंतीबाई या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में प्राइवेट रूप से भारत सरकार द्वारा बनाया गया पहला स्टेशन है, पहला निजी
रेलवे स्टेशन है। अगर बात की जाए और इसकी खासियत, तो रानी कमलापति के नाम पे इस स्टेशन का नाम रखा गया है, रानी कमलापति। रानी कमलापति की बात करें तो रानी कमलापति अंतिम हिंदू शासिका थी मध्य भारत की, अंतिम हिंदू शासिका, अंतिम हिंदू शासिका थी। और निजाम शाह की क्या थी? वाइफ थी। निजाम शाह उस टाइम पे गिन्नौरगढ़ पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। लेकिन उनके शासन काल के दौरान ही जो निजाम शाह के भतीजा होता है आलम शाह, वो गिन्नौरगढ़ पर कब्जा कर लेता है और निजाम शाह की हत्या कर देता है। और रानी कमलापति और उनके पुत्र कहाँ पर आ जाते हैं? भोपाल में। भोपाल में एक स्थल है रानी कमलापति महल, रानी कमलापति महल, जिसका निर्माण 1702 में किसने करवाया था? इनके पति ने, निजाम शाह ने। वहाँ पर आ जाती हैं और वहीं पर ये किससे मदद मांगती हैं? आपकी दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगती है और उनकी सहायता भी करती है। और आगे चल के ये जल समाधि ले लेती हैं और अपना शरीर त्याग देती हैं। आगे चल के जो रानी कमलापति महल था उसको 1989 में जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, वो अपने अधीन ले लेता है और आज इसको उसी के अधीन संरक्षित किया गया है। तो कहानी हो गई कुछ रानी कमलापति के बारे में। तो अगर आ जाए थ्री मार्कर, अब तो थ्री मार्कर बचा नहीं है, टू मार्कर आएगा, तो टू मार्कर में आ जाए रानी कमलापति, या फाइव मार्कर में, सेवन मार्कर में आ जाए, या फिर टेन मार्कर में आ जाए, तो उस पर थोड़ी बहुत बात अपन कर सकते हैं। लेकिन ये आपके प्री परीक्षा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। आगे चलते हैं। अगला है जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1842 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1927 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1942 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857। ये जो प्रश्न है ये MPPSC 2023 का प्रश्न है। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था प्री परीक्षा में। अब अगर सीताराम कंवर की बात करें और रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात करें, तो इन दोनों नेताओं ने निमाड़ अंचल से नेतृत्व किया था। रघुनाथ सिंह मंडलोई की बात करें तो इनको अंग्रेजों ने 1858 में बीजागढ़ के किले से कैद किया था। बीजागढ़ के किले से रघुनाथ सिंह मंडलोई को कैद किया गया था। तो अगर प्रश्न ऐसा कुछ और बहुत डीप में जाना चाहता है PSC, तो ये पूछ लेगा कि बीजागढ़ के किले से किसे कैद किया गया था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा वहाँ पर? रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो 1857 की क्रांति में इन्होंने निमाड़ के क्षेत्र में नेतृत्व किया था, सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई ने। अगला है भीमा नायक का स्मारक कहाँ पर है? भीमा नायक का स्मारक कहाँ पर है? हमारे ऑप्शन है पंचमोहाली में, ऑप्शन बी बिरी ग्राम में, ऑप्शन सी धुआवा बाबड़ी ग्राम में, या ऑप्शन डी सिरपुर ग्राम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धुआवा बाबड़ी ग्राम में। देखिए इस बार भी PSC ने पूछा था कि भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था, भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका उत्तर उसने बड़वानी माना था। तो भीमा नायक का संबंध कहाँ से माना जाता है? बड़वानी में। और बड़वानी में ही एक जगह है धुआवा बाबड़ी ग्राम, वहीं पर हाल ही में एक स्मारक स्थापित किया गया है जो किसको संबंधित है? भीमा नायक के सम्मान में स्थापित है। अगला प्रश्न है भीमा नायक को फांसी कब दी गई थी? हमारे ऑप्शन है 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को, 11 अप्रैल 1858 ईस्वी को, या 4 दिसंबर 1889 ईस्वी को। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए, बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन भी है, चारों ऑप्शन से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा
आपका 29 दिसंबर 1876 को, 29 दिसंबर 1876 को भीमा नायक को फांसी दे दी जाती है, लेकिन 2 अप्रैल 1868 को इनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है। 2 अप्रैल 1800 पकड़ते हैं, कहाँ से पकड़ते हैं, सतपुड़ा के जंगल से, और वो कहाँ ले जाते हैं, कैद कर लेते हैं। 29 दिसंबर 1876 ईस्वी को इनको फांसी दे दी जाती है। 11 अप्रैल 1858 की अगर बात करें तो इस दिन अम्बा पानी का युद्ध होता है, अम्बा पानी का युद्ध, और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन, ख्वाजा नायक, ख्वाजा नायक, और इनके पुत्र होते हैं देवी सिंह, जिन पे इनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है 11 अप्रैल 1858 को। 4 दिसंबर 1889 को जो टांटिया भील थे, टांटिया भील, इनको इंदौर में क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, और इनके शरीर को कहाँ पर फेंक दिया जाता है, पाताल पानी में। आगे चल के उसी पाताल पानी में इनकी समाधि बना दी जाती है, और अभी पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है, टांटिया मामा भील रेलवे स्टेशन। और इस खास बात उस पाताल पानी की ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रेन गुजरती है, नैरो गेज ट्रेन यहाँ से गुजरती है, खंडवा इंदौर रेल लाइन पे है, तो उन पे 1 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ता है, वो ट्रेन 1 मिनट रुकती है। चार दिसंबर को आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार बलिदान दिवस के रूप में इनको मनाती है, 4 दिसंबर को बलिदान दिवस। अगले प्रश्न पे आते हैं, ख्वाजा नायक का जन्म कहाँ हुआ था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंचमोहाली में, ऑप्शन बी सांगली ग्राम में, ऑप्शन सी बिरी ग्राम में, या ऑप्शन डी सिरपुर ग्राम में। तो इसका सही जवाब होगा सांगली ग्राम। सांगली ग्राम निमाड़ के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है, एक गांव है, जहां पर इनका जन्म माना जाता है। आगे चल के ये अपने पिता के ही तर्ज पे, जैसे इनके पिता अंग्रेज़ों के सेना में शामिल थे, उनकी भील टुकड़ी में शामिल थे, ये भी भील टुकड़ी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी बात बंदी नहीं है। ये अपने विद्रोही स्वरूप के कारण और अपने अपनी माटी के प्रति लगाव के कारण अपने साथ जितने भी लोग होते हैं उनको ले लेते हैं और अंग्रेज़ों का विद्रोह कर देते हैं। ये कहानी है ख्वाजा नायक के बारे में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा नायक अंग्रेज़ों की किस पलटन में चौकीदार थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड पलटन में, ऑप्शन बी भील पलटन में, ऑप्शन सी गोरखा पलटन में, या ऑप्शन डी 52वीं रेजिमेंट में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भील पलटन में। और मैंने आपको बताया था ये कहाँ से, तो सिंधवा से सिरपुर तक के क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था, मतलब भील टुकड़ी वहाँ पर स्थापित थी, लगभग 24 मील क्षेत्र इनके अधीन आता था। आगे चल के ये लोग अंग्रेज़ों का विद्रोह कर देते हैं और अंग्रेज ख्वाजा नायक के लिए 1000 का क्या रखती हैं, इनाम घोषित करती हैं, और अम्बा पानी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। 52वीं रेजिमेंट की अगर बात करें तो ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह से संबंधित रेजिमेंट थी, इसी के रेजिमेंट के लोग आगे चल के उनकी सेना में शामिल होते हैं और वो लोग अंग्रेज़ों का विद्रोह करते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा नायक कब शहीद हुए। हमारे ऑप्शन है 10 अप्रैल 1858 को, 10 मई 1858 को, 11 अप्रैल 1858 को, या 11 मई 1858 को। तो इसका सही जवाब होगा 11 अप्रैल 1858 को। इसी दिन अम्बा पानी का युद्ध हुआ था, अम्बा पानी का युद्ध हुआ था। अम्बा पानी के युद्ध में ख्वाजा नायक अंग्रेज सेनापति द्वारा वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनसे युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ख्वाजा नायक शहीद दिवस मनाता है, ख्वाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाता है। ये कुछ खास बात हैं ख्वाजा नायक के संबंध में। अगला प्रश्न है, दिलीप सिंह भूरिया पहली बार कब सांसद बने। हमारे ऑप्शन है वर्ष 1980, बी वर्ष 1985, सी वर्ष 2004, या डी वर्ष 2014। तो सबसे पहले दिलीप सिंह भूरिया 1980 में ये क्या बनते हैं, सांसद बनते हैं, और 6 बार ये सांसद रहते हैं, 6 बार इन्हीं के नेतृत्व में भूरिया
समिति गठित की गई थी जिसने पेशा अधिनियम लागू करने की सिफारिश की थी। पेशा एक्ट लागू करने की सिफारिश की थी और इन्हीं की सिफारिशों पर 1996 में इसको निर्मित किया गया था। साथ ही भूरिया समिति एक और बार फिर भूरिया समिति गठित की गई जो मुख्य रूप से तेंदुपत्ता के नीतियों के संबंध में था। तेंदुपत्ता नीतियों के निर्माण में भी इनके नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी। और अगर दिलीप सिंह भूरिया की और कुछ बात करें तो ये एससी एसटी जो आयोग था, एससी एसटी आयोग, उसके अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब एससी एसटी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 65वें संविधान संशोधन के उपरांत 1990 में इसका गठन किया गया था और 89वें संविधान संशोधन 2003 में एससी एसटी आयोग को अलग कर दिया गया था और 2004 में दो अलग आयोग बन गए थे, एक एससी आयोग और एक एसटी आयोग। तो ये बात हो गई किसकी, दिलीप सिंह भूरिया के संबंध में। इनका जन्म स्थान की अगर बात करें तो झाबुआ से इनका संबंध रखते हैं, झाबुआ से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मकड़ाई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी देवास या ऑप्शन डी सारंगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सारंगढ़। नरेश चंद्र सिंह जो थे चौथी जो विधानसभा थी, चौथी विधानसभा, उस पे ये क्या बनाए जाते हैं, 13 दिन के लिए सीएम बनाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी सीएम कहलाते हैं। 13 दिन का कार्यकाल होता है और काफ़ी कम कार्यकाल होता है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो वो कौन थे, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह जो 1 दिन के लिए बने थे। और ये 1984 की बात है, इनको पहले क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया। लेकिन ये पता चलता है कि जो पंजाब है, पंजाब में उस टाइम पे गोल्डन टेंपल पे विंडरे वाला का विद्रोह चल रहा था, तो इनको वहाँ का राज्यपाल बना के भेज दिया जाता है और 1 दिन के बाद इनकी सीएम पद खाली हो जाता है। तो सबसे कम कार्यकाल किसका रहता है, अर्जुन सिंह का, 1 दिन का। ये बात हो गई किसकी, नरेश चंद्र सिंह की। अगले प्रश्न पे आते हैं, टुरिया जंगल सत्याग्रह किससे संबंधित है। ऑप्शन है गंजन सिंह कोरिकू से, ऑप्शन बी पेमा फालिया से या ऑप्शन सी जमुना देवी से या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर से। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन जरूर गलत है, एक ऑप्शन और ले लीजिए। दुर्गा शंकर मेहता, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अब तो बनी जाना चाहिए, है ना। तो इसका सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन ई दुर्गा शंकर मेहता। तो सिवनी वाला क्षेत्र है और ये 2019 के मुख्य परीक्षा में टुरिया सत्याग्रह पूछा गया था। सिवनी क्षेत्र से दुर्गा शंकर मेहता ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था और जो चंदन का बगीचा था, चंदन का बगीचा, वहाँ से घास काट के, वहाँ की घास काट कर विद्रोह किया था। तुरिया सत्याग्रह किससे संबंधित है, दुर्गा शंकर मेहता से। 1930 के समय की घटना है, 1930 के समय की घटना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बुआ जी के उपनाम से किसे जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी उमा भारती या ऑप्शन डी जमुना देवी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जमुना देवी। जमुना देवी अगर संबंध की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले से ये संबंध रखती है। 1962 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीती थी और 6 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और 2003 में ये विपक्ष की नेता बनी थी, 2003 में। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश की राजनीति में और इनको किसके नाम से जाना जाता है, बुआ जी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जमुना देवी को नेता प्रतिपक्ष कब बनाया गया। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2003।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है टांटीय, ऑप्शन बी गणपत, ऑप्शन सी बिजनिया या ऑप्शन डी टुंड्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टुंड्रा। देखिए पीएससी 2020 में इस प्रश्न को पूछी थी और उसने टुंड्रा और टांटिया को सही माना था। अब ये पर टांटिया लिखा है, टांटिया नहीं लिखा है। टांटिया लिखा होता तो मान लेता कि ए और डी दोनों सही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, टांटिया लिखा है, तो ये नहीं होगा। तो टुंड्रा जो है सही होगा। अब इन्होंने अब देखिए टांटिया भील, चूँकि अंग्रेज जो थे उनके उच्चारण में दिक्कत हुआ करती थी कि हिंदी का उच्चारण कैसे करें, तो टांटिया का नाम ही ऐसा है तो कैसे उच्चारण करें, तो कोई तांतिया कहता था, कोई टंड्रा कहता था, कोई टांटिया कहता था, तो अलग अलग उच्चारण इनके लिए मिलते हैं। तो इनके नाम में अलग अलग टांटिया भी मिलता है, तांतिया मिलता है और टुंड्रा भी मिलता है, और अगर टंड्रा भी मिल जाए तो भी सही है, क्योंकि ये नाम का उच्चारण इन पे मिलते हैं। और टांटिया भील ने इतना परेशान करके रखा था अंग्रेज़ों को, इसीलिए नहीं कि इनको गोरिल्ला पद्धति इन्होंने सीख ली थी, कभी अंग्रेज़ों को पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। आगे चल के फिर बहुत आगे चल के इनको पकड़ा जाता है और 1889 में इनको फांसी दे दी जाती है। अगला प्रश्न है, तांतिया भील का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है पंचमोहाली ग्राम से, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बड़ौदा अहिर गांव से, या ऑप्शन सी विरी ग्राम से, या ऑप्शन डी सिरपुर गांव से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ौदा अहिर ग्राम से। आपसे मैंने अभी पिछले कुछ क्लास में एक प्रश्न पूछा था कि क्रांति सूर्य टांट्या मामा गौरव यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी, गौरव यात्रा कहाँ से प्रारंभ की गई थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का सही जवाब था कि बड़ौदा अहिर से, बड़ौदा अहिर गांव से कहां पर गई थी, पाताल पानी तक, पाताल पानी तक ये गया था यात्रा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी? हमारे ऑप्शन है ख्वाजा नायक, ऑप्शन बी भीमा नायक, ऑप्शन सी तांतिया भील, या ऑप्शन डी गंजन सिंह कोरकू। तो इसका सही जवाब होगा तांतिया भील। तांतिया भील को इंडियन अंग्रेज़ों ने इंडियन रॉबिन हुड कहा था, क्योंकि ये क्या करते थे, अंग्रेज़ों की संपत्ति लूट लेते थे और गरीबों को बांट देते थे, इसीलिए इनके संबोधन में टांटिया मामा भी कहा जाता है। तो लोग इतने खुश हो जाते थे इनको कि इनको मामा पुकारते थे, क्योंकि भील का पवित्र संबोधन क्या माना जाता है, मामा माना जाता है। भीमा नायक की अगर बात करें तो इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। ये भी तांतिया भील के जैसे ही, इन्होंने भी अंग्रेजों की बहुत सारी लूट की थी और जन कल्याण के लिए कार्य किया था। अगला प्रश्न है, टांटिया भील को फांसी कब दी गई थी? हमारे ऑप्शन है 4 दिसंबर 1889 को, 5 दिसंबर 1889 को, 6 नवंबर 1889 को, या 7 अक्टूबर 1889 को। तो इसका सही जवाब होगा 4 दिसंबर 1889 को, 4 दिसंबर 1889 को इंदौर में इनको फांसी दी जाती है 4 दिसंबर। और 4 दिसंबर के दिन ही मध्य प्रदेश सरकार किस रूप में मनाती है, बलिदान दिवस के रूप में। तो आपको बता दूं कि 18 सितंबर भी एक खास दिन के रूप में मनाया जाता है, वो भी बलिदान दिवस के रूप में। और उस दिन किसका बलिदान हुआ था, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो 4 दिसंबर 1889 को टांटिया भील को फांसी दी गई थी। फिर आगे चल के इनके शरीर को कहाँ पर, पाताल पानी में फेंक दिया गया था, जहाँ पर उनकी समाधि भी आगे चल के बना दी गई। अगला है, श्याम शाह सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी ग्वालियर, या ऑप्शन डी खंडवा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रीवा। श्याम शाह ने रीवा में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में ठाकुर रणवत सिंह के साथ, ठाकुर
रणमत सिंह के साथ विद्रोह किया था, अंग्रेजों का विद्रोह किया था। और इन्हीं के सम्मान में जो रीवा का मेडिकल कॉलेज है, रीवा मेडिकल कॉलेज, उसका नाम श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रख दिया गया था। तो श्याम शाह का संबंध कहाँ से है? रीवा जिले से है। अगला प्रश्न है, शंकर शाह के पिता का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजाम शाह, ऑप्शन बी सुमेर शाह, ऑप्शन सी नरहर शाह या ऑप्शन डी दलपत शाह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुमेर शाह। अच्छा, निजाम शाह के बारे में आपको पता है कि कमलापति के पति थे, कमलापति से इनका संबंध है। सुमेर शाह शंकर शाह के पिता थे जो गढ़ा मंडला पे शासन कर रहे थे। और नरहर शाह की अगर बात की जाए तो नरहर शाह ये वही हैं गोंड वंश से संबंधित प्रमुख शासक हैं जिन्होंने 1842 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। दलपत शाह ये दुर्गावती के क्या थे? पति थे, दुर्गावती के पति थे और संग्राम शाह के लड़के थे। आगे चलते हैं, शंकर शाह को 1857 ईस्वी की क्रांति का क्षेत्र कौन सा था? हमारे ऑप्शन है रीवा, बी रामनगर, सी जबलपुर या डी नागपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा सी जबलपुर। जबलपुर के क्षेत्र से, जो गढ़ा मंडला वाला क्षेत्र था, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने। आगे चल के इनको तोप के सामने बांध दिया जाता है और तोपों से उड़ा दिया जाता है। रामनगर से रानी अवंतीबाई ने नेतृत्व किया था और रीवा से रणमत सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला है, बिरसा गोंड का आंदोलन क्षेत्र कौन सा था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुलताई, ऑप्शन बी घोड़ा डोंगरी, ऑप्शन सी बड़वा या ऑप्शन डी चिन्नौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घोड़ा डोंगरी। अब देखिए, जो बिरसा गोंड है ये मुख्य रूप से 1942 में एक विद्रोह होता है, ये भी जंगल सत्याग्रह ही होता है। जंगल सत्याग्रह कहाँ पर? तो घोड़ा डोंगरी पे। एक घोड़ा डोंगरी पे सत्याग्रह होता है, जंगल सत्याग्रह, वो 1930 में, जिसका नेतृत्व करते हैं कौन? गंजन सिंह कोरकू। लेकिन 1942 का जो घोड़ा डोंगरी होता है उसमें नेतृत्व करते हैं कौन? बिरसा गोंड, जहाँ पर इनकी अंग्रेजों की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है और ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, बिरसा गोंड किस स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, 1942 में इन्होंने घोड़ा डोंगरी वाले क्षेत्र से नेतृत्व किया था, इनका संबंध किससे हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन से। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है, लाल पद्मधर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी शहडोल, ऑप्शन सी सतना या ऑप्शन डी डिंडोरी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सतना। सतना जिले में इनका जन्म होता है और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें इनकी अहम भूमिका रहती है। ये नेतृत्व कहाँ से करते हैं? नेतृत्व की अगर बात की जाए तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से ये नेतृत्व करते हैं और कई सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं। तो इनका संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सतना में हुआ था। तो ये कुछ खास बात हो गई हमारे जनजाति व्यक्तित्व को लेके। तो दोस्तों, ये आज की हमारी सामान्य चर्चा थी। थोड़ा समय के अभाव कारण हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली चर्चा पे आपसे मुलाकात करेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो और प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न मध्य प्रदेश परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सबको हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपसे मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।